थाना क्षेत्र में गत अक्टूबर माह में एक युवक राहुल करमाली के अपहरण के बाद हत्या का मामला सामने आया था। पुलिस ने इस मामले में अनुसंधान करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भी भेज चुकी है, मगर पुलिसिया जांच की रफ्तार ऐसी कि घटना के 3 महीने बाद भी ना तो लापता युवक को जिंदा ही ढूंढ पाई और ना ही उसका शव, और तो और पुलिस अब तक लापता हुए युवक का स्कूटी ही ढूंढ पाई है। मृतक के बारे में कुछ भी खुलासा नहीं होने तथा पुलिसिया अनुसंधान में उदासीनता को देखते हुए मृतक के परिजन तथा स्थानीय लोगों का सब्र जब जवाब दे दिया तो सभी मृतक के पोस्टर लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष जमा हो मृतक को न्याय दिलाने सहित पुलिस विरोधी नारे भी लगाए। मृतक की मां तथा भाई ने पुलिसिया अनुसंधान पर सवाल उठाते हुए कहा कि घटना के 3 महीने गुजर जाने के बाद भी पुलिस ना तो मृतक का शव ही बरामद कर पाई है और न ही उसकी स्कूटी को ही बरामद किया है, ऐसे में हम अपने कलेजे के टुकड़े को कैसे मरा मान ले। वहीं सिटी थाना प्रभारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। उनकी गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले पर से स्वतः ही रहस्य का पर्दा हट जाएगा। आज हम लोग आए हुए हैं, इतना दिन मेरा भाई का गायब हुआ है और उस केस में एक लड़का गिरफ्तार हुआ है जो राजेश डुमडुम उर्फ तुरी, उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि हम लोग को उसके बारे में कुछ पता नहीं। उसने कुछ बताया नहीं कि मेरा भाई को मारा है, तो कहाँ मार के फेंक दिया है, कहाँ क्या किया है, उसका डेड बॉडी के बारे में कुछ पता नहीं है। और प्लस पॉइंट उसके एक स्कूटी था, उसको उसके बारे में भी कोई पता नहीं है। पुलिस से क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग पुलिस से यही मांग करेंगे कि हमारा भाई को किस लिए मारा गया और क्यों मारा गया और किन्होंने ऐसा साजिश रचा और वो सारा चीज़ फिर से दोहराया जाए, फिर से उसको रिकवरी करके और तुरी को रिमांड में लिया जाए। मतलब फिर से अपराधियों पर कार्रवाई कर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और उसको कुछ सजा हो, हम लोग का यही मांग है। 3 महीना हो रहा है, हैं, विश्वकर्मा का पीछे से मेरा बेटा गाय भाई हमारा, आज से मेरा कुछ सुनवाई नहीं हुआ है, मेरा न्याय चाहिए। हैं, कहाँ है आप लोग? हम लोग जोशी कॉलोनी 3 नंबर गेट में हैं। अभी हमको न्याय चाहिए, सबूत चाहिए बेटा से। चीज के लिए न्याय चाहिए? बेटा के लिए। क्या हो गया था? मेरा बेटा का तुरी बुला के फोन करके बुला के हमारे बेटा के कहाँ रखा है, कहाँ गाड़ी है, मेरा बेटा का सरकारी गाड़ी आई विकलांग बच्चा को, मोबाइल है साथ में, कुछ हमको नहीं मिला, हमको न्याय चाहिए। जिला परिषद हमको न्याय चाहिए, हमारा बेटा चाहिए, कहाँ रख दिया है बेटा को, गाड़ी कहाँ फेंक दिया है बेटा को, कहाँ फेंक दिया, हमको उसको तो चाहिए। लावारिस बच्चा नहीं है, इंसान वाला बच्चा है, कहाँ फेंक दिया मेरा बेटा को? पुलिस जाने और FC जाने है, इसको धर के पकड़ के अंदर कर दिया है, चुपकी चोरी कहाँ है, उसको सबूत हमको दिलवाइए, कहाँ रखा है, कहाँ बोलता है तालाब, कहाँ बोलता है डैम में फेंके, कहाँ फेंका, हमको नहीं चाहिए, हमको बेटा चाहिए। तो सुने हैं मिला है कुआं में, गाड़ी कहाँ है वो जाने का। लोग मांग कर रहा है कि जैसे यदि मेरा बेटा मरा गया तो उसका लाशेस कहाँ जलाया, क्या किया नहीं किया, उसी का मांग कर रहा है और लोगों का गिरफ्तारी का मांग कर रहा है। तो क्या स्कूटी मिलने का भी कर रहा है? जो अपहरण हुआ तो उसकी हत्या कर दिया ये लोग? हाँ। मतलब कहाँ पर कैसे किए कुछ बताए ये लोग? ये अभी अनुसंधान का चीज़ है, बहुत डिटेल नहीं बता सकते। कितने लोग संलिप्त हैं? ये और एक आध अरेस्टिंग के बाद ही कह सकते हैं। ये कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? मतलब कब की घटना है ये? ना तो लगता है 10वां महीना का, अक्टूबर का है, एग्जैक्ट डेट हम नहीं बता सकते हैं। कहाँ से ले गया था कुछ बताया? वो हाटिंग में ही आता था, आता जाता था वो। हाँ। उसका आना जाना था वहाँ। हाँ। सब माने परिचित है, था एक दूसरे से, वहीं आया था वो अपना, जो उसका अक्सर आता जाता था। आगे पुलिस क्या कर रही है? आगे और शेष लोगों की गिरफ्तारी और उसका माने लाश यदि मारा तो कहाँ जलाया, कहाँ फेंका, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं उस बिंदु पर।